अस्सलाम वालेकुम जी, हम सेकंड ईयर का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं। और टॉपिक में क्या है कि कन्वर्जन करनी है, जिसमें इथाइल क्लोराइड को हमने प्रोपेन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो आप इथाइल क्लोराइड ले लें। इथाइल क्लोराइड लेंगे आप, इसके साथ आपने मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर दिया ड्राई ईथर की मौजूदगी में। ये बस याद रखना, क्योंकि हमने इसको ग्रिग्नाल रिएजेंट बनाना है। तो इससे क्या हो गया, मैग्नीशियम इनके साथ रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा CH3CH2Mg और साथ Cl। अब हमने इस रिएक्शन को फर्दर हमने ऐसे करना है, इस रिएक्शन के साथ हमने एक और अल्काइल हैलाइड ले लेना है CH3 और Cl। तो वो क्या करेगा, ये MgCl यहाँ के साथ ब्रेकअप हो जाएगा, यहाँ से ब्रेकअप हो जाएगा और ये यहाँ से ब्रेकअप हो जाएगा। तो ये Cl इसके साथ अटैक हो करेगा और ये इसके साथ, तो यहाँ से ईथेन आपके पास आ जाएगा, प्रोपेन सॉरी प्लस MgCl और Cl ये बाय प्रोडक्ट है, तो आपके पास प्रोपेन आ गया। ये है प्रोपेन। एक कन्वर्जन तो हमने ये कर ली। दूसरी कन्वर्जन क्या है कि इथाइल क्लोराइड के साथ ब्यूटेन बनाना है। तो ब्यूटेन को तो बड़ा आसान, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने दोनों एक जैसे लेने हैं इथाइल क्लोराइड, दो इसके दो क्वांटिटी लेनी यहाँ पे CH3 CH2 और Cl, और इसके साथ आपने सोडियम के साथ रिएक्ट करता है। सोडियम कौन से कितने हैं, दो। वो क्या करेगा, यहाँ से आपको वुड सिंथेसिस की शक्ल में, ये एक रिएक्शन है जिसको वुड सिंथेसिस कहते हैं, वुड रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये NaCl हो जाएगा और ये CH2 और CH3 ये सारे कंबाइन हो जाएंगे, तो इसे एन ब्यूटेन आ जाएगा CH3 CH2 और CH3। ये रिएक्शन बनेगा एन ब्यूटेन प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 2 NaCl। तो ये दो बहुत आसान से कन्वर्जन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से।